विश्व मृदा सुरक्षा दिवस के अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र इंदौर की टीम इंदौर जिले के बिगरौदा कृषि फार्म पहुंची। कृषि महाविद्यालय के वैज्ञानिक SC तिवारी ने बताया कि पिछले कई वर्षों से किसान अपने खेतों में गोबर की खाद का उपयोग न करते हुए रासायनिक खाद का उपयोग कर रहे हैं, जो कि हानिकारक है और इसके कारण फसल आगे चलकर प्रभावित होती है और उपज कम होती है। बताया गया कि बिना मिट्टी परीक्षण के रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करना चाहिए। कैमरा 24 के लिए संदीप सैन की रिपोर्ट। आज जो है पूरा विश्व मृदा स्वास्थ्य दिवस के रूप में इसको मना रहा है 5 दिसंबर को। उसका कारण यह है कि हम देख रहे हैं पिछले कई वर्षों से लगातार गोबर की खाद का उपयोग न करना और रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध उपयोग करने के कारण मिट्टी का स्वास्थ्य खराब होता चला जा रहा है और इसकी वजह से हमारा जो उत्पादन है वो लगातार प्रभावित हो रहा है, कम हो रहा है। हम भले ही खाद दे रहे हैं, पहले से ज्यादा दे रहे हैं, जो देना चाहिए उससे ज्यादा देते हैं, लेकिन उचित मात्रा में न देना, कभी केवल यूरिया डाल देना, कभी DAP डाल देना अकेला, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य लगातार खराब होता चला जा रहा है। और ज्यादातर किसान क्या कर रहे हैं, जब से ये रासायनिक उर्वरक आए हैं तो वो जो है हमारी गोबर की खाद और कंपोस्ट को तो भूल ही गए हैं, उन्होंने खेत में इसको डालना बंद ही कर दिया है। तो मुख्य कारण यही है कि हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य खराब हुआ है। इसको अगर सुधारना है फिर से तो हमें गोबर की खाद या कचरे से बना के खाद खेत में फिर से पहुंचानी पड़ेगी कि ये हमारी जो जमीन थी उसका अंश कहते हैं जीवांश जो है जीव का अंश होता है, इसी के से जो है हमारे जो जीवाणु थे छोटे छोटे मिट्टी में वो भोजन प्राप्त करते थे। जब ये जीवांश वहां पर खत्म हो गया तो जीवाणु हमारे खत्म हो गए, तो आज हम फिर से कल्चर की बात करते हैं उपयोग करने की।